वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू आज है एथ जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी वन तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स यहाँ पे टेन एमसी क्यू रहेंगे जिसको डिटेल में एनालाइज करेंगे कि क्या करेंट अफेयर्स में है और साथ में एक क्वेश्चन ऑफ द डे जो वीडियो के लास्ट में मिलेगा तो कल का क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं हंड्रेड किसान रेल इज इनग्रेटेड बाई आर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बिटवीन संगोला टू सालीमार तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कम अप विथ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम फॉर विच यू अभी हाल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम लाया है आपको बताना है किस यू के लिए तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी जम्मू एंड कश्मीर जी हाँ जम्मू एंड कश्मीर के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने न्यू प्लान लाया है जिसका नाम है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम इसके अंतर्गत क्या होगा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की जाएगी हर एक ब्लॉक की ये पहली बार होगा कि एवरी ब्लॉक के लिए ऐसा स्कीम आया है इसका कॉस्ट देख लेते हैं इसका कॉस्ट है ट्वेंटी एट थाउजेंड फोर हंड्रेड करोड़ ये काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है और ये लाया गया है बाई टू थाउजेंड थर्टी सेवन और ये एम्प्लॉयमेंट देगा अबाउट फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड पीपल को तो ये काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है और इसके अंतर्गत बहुत सारे इंसेंटिव भी दिए जा रहे हैं जो आप इस पिक में देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर टू क्रिकेट अभी हाल में एक बहुत ही ऐतिहासिक यू नो इवेंट हुई है ये की एक फीमेल को एम्पायर की तरह सेलेक्ट किया गया है मेन्स टेस्ट क्रिकेट में तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं तो आपको बताना है वो कौन है तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी क्लियर पोल सैक एक्चुअली ये जो है वो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर है और इनको सेलेक्ट किया गया है एज अ एम्पायर और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज है क्वेश्चन नंबर थ्री इंडिया फर्स्ट डबल डेकर कंटेनर ट्रेन स्टार्टेड बिटवीन इंडिया का पहला डबल डेकर ट्रेन स्टार्ट कहाँ से कहाँ किया गया है एक्चुअली वो वर्ल्ड का भी सबसे बड़ा ट्रेन होगा डबल डेकर ट्रेन तो ये स्टार्ट किया गया है इंडिया में ऑप्शन आप देख लें और आंसर दें इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी रिवाड़ी टू मादार ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है देखिए रिवाड़ी का है रिवाड़ी है हरियाणा में और मदार का है राजस्थान में और वहाँ ये ट्रेन स्टार्ट की गई है जिसका नाम है डबल डेकर कंटेनर ट्रेन ये अबाउट थ्री हंड्रेड सिक्स किलोमीटर लॉन्ग है काफ़ी लंबा है और ये जो है ये स्टार्ट किया गया है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर के लिए इसके बेनिफिट बहुत सारे हैं जैसा कि इसका नाम है डबल डेकर कंटेनर ट्रेन तो ये काफ़ी बड़ी ट्रेन है और ये जो है वो कैपेसिटी बढ़ा देगी गुड्स ट्रांसपोर्ट की दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये कनेक्टिविटी करेगी किससे तो ये कनेक्टिविटी कर पाएगी वेस्टर्न पोर्ट से जैसे कि कांडला पिपाड़वा मुंडेरा दाएज गुजरात में जो इम्पोर्टेंट पोर्ट है उसके अलावा ये देख लेते हैं कि इसका स्पीड क्या होगा तो इसका स्पीड है हंड्रेड किलोमीटर पर आवर जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसको डिजाइन किसने किया है तो इसको डिजाइन किया है डी एफ सी सी आई डेडिकेटेड की कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है क्वेश्चन नंबर फोर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैज रिलीज रिपोर्ट ऑन ओल्ड एज पॉपुलेशन कॉल्ड लासी वेव वन विच स्टेटमेंट इज़ एंड आर ट्रू अभी हाल में एक रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसका नाम है लासी वेव वन इस रिपोर्ट में ओल्ड एज पॉपुलेशन के बारे में डिस्कशन है आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है इंडियाज ओल्ड एज पॉपुलेशन इज डिक्रीजिंग बी फोर्टी परसेंट एल्डरली पीपल है अदर डिसबिलिटी एंड ट्वेंटी परसेंट सफ़र फ्रॉम मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी वनली क्योंकि इंडिया का जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है वो घट नहीं रहा है बढ़ रहा है कैसे तो वो देखते हैं देखिए ये जो रिपोर्ट आई है लासी रिपोर्ट इसका मतलब है लॉन्गिट्यूडनल एजिंग ऑफ इंडिया रिपोर्ट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है और ये रिलीज़ किया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस रिपोर्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस की गई है सबसे पहले तो ये बताया गया कि ओल्डर पीपल का जो पॉपुलेशन है वो बढ़ा है कैसे तो देखिए देखिए ऑन द ग्लोबल फ्रंट द शेयर ऑफ ओल्डर पीपल इंक्रीजिंग नाइन पॉइंट टू परसेंट था नाइन नाइन में वो बढ़ जाएगा ट्वेंटी तक ये कैसे क्योंकि उसका ग्रोथ रेट देखा जा रहा है और वो अबाउट थ्री परसेंट के करीब में ग्रो कर रहा है तो ये एक अच्छा भी न्यूज है क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन एज वेल एज सोशल वेलफेयर रिगार्डिंग दी ग्रुप इंप्रूव हो रहा है क्वेश्चन नंबर फाइव नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऑपरेशनलाइज द इंडियाज़ फर्स्ट गवर्नमेंट फर्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इज़ रेगुलेटेड बाई अभी हाल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एन एच ए आई यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक ट्रस्ट रिलीज़ किया जिसका नाम है फर्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ये पहली बार होगा कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आया है आपको बताना है इसको रेगुलेट कौन करेगा तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी सेबी जी हाँ सेबी रेगुलेट करेगा क्योंकि ट्रस्ट भी एक तरह का शेयर है और शेयर मार्केट को रेगुलेट कौन करता है सेबी यानी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अब ये जो आया है इसका नाम है इन विड इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रस्ट है ट्रस्ट का मतलब होता है ऐसा शेयर जिससे रिटर्न आ जाता है कि ये मेनली पब्लिक लिमिटेड कंपनी के द्वारा ही लॉन्च किया जाता है याद रखिएगा से भी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसको रेगुलेट कर रही है और क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट इस प्लांट टू कंस्ट्रक्ट इन वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर एनर्जी फ्लोटिंग सोलर एनर्जी प्लांट बन रहा है इंडिया में आपको बताना है कि ये कहाँ बन रहा है तो ये बन रहा है ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश में जी हाँ मध्य प्रदेश में फ्लोटिंग सोलर एनर्जी प्लांट बनाया जा रहा है और वो भी कहा ओमकारेश्वर माउंटेन के पास ठीक है ओमकारेश्वर माउंटेन के पास ये बनाया जा रहा है मध्य प्रदेश में ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है और याद रखिएगा ये रिलीज करेगा सिक्स हंड्रेड सोलर एनर्जी क्वेश्चन नंबर सेवन स्वस्थ वायु नॉन इन्वेंसिव वेंटिलेटर इज रिसिप्ड रेगुलेटर नॉट रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डिवलपड आपको बताना है कि स्वस्थ वायु जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वेंटिलेटर है वो डिवलप किया गया अभी हाल में उसको एक अवार्ड दी गई है उसको रेगुलेटर नोट का अभी अवार्ड दिया गया है आपको बताना है ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इसे डिवलप किया है आपको बताना है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इसे डिवलप किया है तो इसे डेवलप किया है ऑप्शन नंबर बी सीएसआईआर एनएएल अब ये क्या है सीएसआईआर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च एनए नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस लिमिटेड ने इसको डेवलप किया है और ये काफी इंपॉर्टेंट है ये क्या है स्वस्थ वायु एक वेंटिलेटर है ठीक है आप देख रहे हो इस पिक में और ये वेंटिलेटर डेवलप करके और ये पता है आपको सिर्फ थर्टी सिक्स डेज में डिवेलप किया गया है और काफी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है और इसे डेवलप किया है सी एस आई आर एन ए एल ने क्वेश्चन नंबर एट कंट्रीज फर्स्ट माइग्रेंट वर्कर सेल हैज बीन इनोग्रेटेड इन सूरत बाय विच मिनिस्ट्री अभी हाल में माइग्रेंट वर्कर सेल बनाया गया है कहा सूरत में आपको बताना है कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको इनोग्रेट किया है डॉक्टर हर्षवर्धन हरदीप सिंह पुरी धर्मेंद्र प्रधान स्मृति ईरानी तो चलिए आंसर देखते हैं इसका और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी धर्मेंद्र प्रधान जी हाँ धर्मेंद्र प्रधान ने ये लॉन्च किया है थोड़ा यूनिक है क्योंकि वो तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के हैं लेकिन उन्होंने ये लॉन्च किया है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है जिसके अंतर्गत जो माइग्रेंट है उनके प्रॉब्लम्स को सुना जाएगा माइग्रेंट वर्कर्स सेल कहाँ पर हो रहा है ये काम सूरत में और याद रखिएगा ये किसका इनिशिएटिव है ये इनिशिएटिव है अंडर नेशनल अर्बन लिवलीवुड का क्वेश्चन नंबर नाइन फर्स्ट फायर पार्क इज इनोगेड एट नाम ही यूनिक है फायर पार्क एक्चुअली फायर पार्क क्या है एक ऐसा पार्क बनाया जा रहा है जहां पे फायर सेफ्टी मेजर्स के बारे में डिस्कशन की जाएगी ये कहाँ बन रहा है तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा जी हाँ उड़ीसा के भुवनेश्वर में ये बनाया जा रहा है और याद रखिएगा ये फर्स्ट फायर पार्क है पूरे इंडिया का क्वेश्चन नंबर टेन रिसेंटली अक्रॉस स्कीम इज ऑफ विच मिनिस्ट्री अक्रॉस क्या है एटमोस्फेयरिक एंड क्लाइमेट रिसर्च और जो ऑब्जर्विंग सिस्टम एंड सर्विस ये जो है ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा बनाया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग तो इसका आंसर दे ओके okay. इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए नहीं है इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी जी हाँ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत यह बनाया जा रहा है अक्रॉस क्या है एटमोस्फेरिक एंड क्लाइमेट रिसर्च ऑब्जर्विंग सिस्टम एंड सर्विस इसके अंतर्गत क्लाइमेट को ऑब्जर्व किया जाएगा एटमोस्फेयर के बारे में रिसर्च किया जाएगा और फिर प्लान बनाई जाएगी तो यह किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ़ द डे इंडिया इज़ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एज नॉन परमानेंट मेंबर टिल कब तक रहेगा नॉन परमानेंट मेंबर आप इसका आंसर दें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें शेयर कर दें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दें थैंक यू